वेलकम टू प्रीत क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी अर्थमेटिक। बाइनरी अर्थमेटिक में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहाँ पे होती है? हमारी राइट मोस्ट साइड होती है। राइट साइड से हम ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट साइड को जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन अगर हमें आती है तभी हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर पाएंगे। तो पहले हमें बाइनरी एडिशन आनी चाहिए। ठीक है, तो बाइनरी एडिशन में सबसे पहले हमें एक ही चीज आनी चाहिए। इसमें क्या है, 1 + 1 = 1, 0 होता है 10। ओके, दैट इज 0 कहाँ पे आएगा? सम में, और 1 कहाँ पे आएगा? कैरी में। ओके, तो हम इसे देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमारे पास 2 नंबर्स हैं, पहले हमें उन्हें लिख लेना है और उन्हें ऐड करना है। तो देखते हैं हम कैसे ऐड करते हैं उसे। 0 0 0 1 0 1, 0 1 1, 1 1 10 होता है, 0 इधर आएगा, 1 आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, 1 1 10, 1 फॉरवर्ड हो जाएगा, 1 0। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या होती है? सब्ट्रैक्शन इसमें क्या समझने वाला है कि जब हम हमारे पास ऊपर 0 हो और नीचे 1 हो, तो तब हमने क्या करना है, जो हमारी लेफ्ट साइड पे बिट है उससे हमने 1 बोरो करना है। ठीक है, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। और एग्जाम्पल देखिए कि कैसे करते हैं हम। पहले 2 नंबर्स जो भी हैं आपके पास उन्हें राइट डाउन कर लीजिए। तो बाकी सब तो सेम है, 0 जैसे डेसिमल का होता है सेम, 0 1 0 1। तो इसे 0 था, हमने उधर बोरो कर लिया 1, तो ये 10 बन गया, 10 - 1 1, और इधर 0 बन गया, फिर उसने बोरो किया 1। ठीक है, 10 10 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में क्या है, सेम जैसे हम डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हम जीरोस एंड वंस को करते हैं। बस डिफरेंस यही है कि वो डेसिमल नंबर है जहाँ पे हमारे पास जीरोस एंड वंस हैं। तो वो देखते हैं कैसे करते हैं हम। जो भी नंबर्स हैं 1 0 1 1 1 0 1, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखते जाओ आप मैं कैसे कर रही हूँ। सिंपल, जैसे हम डेसिमल नंबर्स को करते हैं वैसे ही करना है। बाद में हमने इनको ऐड कर देना है। ठीक है, 1 1 1 1 10 होते हैं, 1 + 1 = 10, 10 + 1 क्या होगा, 11। ठीक है, तो 1 यहाँ गए, 1 फॉरवर्ड कर दिया हमने कैरी, 1 1 10, फिर 1 फॉरवर्ड, 1 1 10, 1 1 10, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन सिमिलर डेसिमल डिवीजन की तरह ही होती है। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन प्रोसीजर मेथड होता है। ठीक है, तो डिवीजन देखिए हम कैसे करते हैं। पहले 1 से करते हैं, 1 0 1 आ जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 था इसलिए उधर से हमने 1 बोरो किया। सब्ट्रैक्शन आती होगी तभी हम डिवीजन कर पाएंगे। फिर हम ऊपर 0 है, इधर से हमने 1 बोरो किया, 1 आ गया, 10 आ गया, और 10 - 1 1 होता है, 1 हमारा क्या है, रिमाइंडर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।